अब फायर केमिकल रिएक्शन को सिंपल हाइड्रोकार्बन मीथेन मॉलिक्यूल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फायर में होने वाली चेन रिएक्शन को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला इनिशिएशन ऑफ चेन रिएक्शन, दूसरा प्रोपोगेशन ऑफ चेन रिएक्शन और तीसरा टर्मिनेशन ऑफ चेन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं इनिशिएशन ऑफ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन को इनिशिएट होने के लिए दो कारणों से सोर्स ऑफ इग्निशन की जरूरत होती है। पहला कारण है ऑक्सीजन अपने ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की पैरेलल स्पिन की वजह से स्टेबल अवस्था में होता है। उसे उसके सबसे रिएक्टिव स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। साथ में फ्लेमेबल मटेरियल्स को इवेपोरेट करने के लिए और फ्री रेडिकल को जनरेट करने के लिए हीट की जरूरत होती है। जब हम पदार्थ को गर्म करते हैं उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए सरफेस एरिया के कारण कंबशन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल तक पहुंचती है और इनमें हीट की प्रेजेंस में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू होती है जो विजिबल लाइट बैंड के रूप में रेडिएशन को इमिट करती है, जिसे हम फ्लेम या ज्वाला या आग कहते हैं। मीथेन मॉलिक्यूल के कंबशन के चेन इनिशिएशन का केमिकल इक्वेशन कुछ इस प्रकार होता है। जब मीथेन और ऑक्सीजन हीट की प्रेजेंस में आपस में रिएक्शन करते हैं तब मिथाइल हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, सुपरऑक्साइड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और CO2 जैसी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजें प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन के लिए यानी चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करते हैं। चेन इनिशिएशन के बाद में आग को बड़ी होने के लिए, आग को फैलने के लिए चेन प्रोपोगेशन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चेन प्रोपोगेशन में चेन इनिशिएशन रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई गर्मी की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे मटेरियल के मॉलिक्यूल्स में और ज्यादा वाइब्रेशन शुरू होता है, जिससे और अधिक फ्री रेडिकल उत्सर्जित होते हैं। इसी कारण आग में हीट और वायलेंस बढ़ती देखी जाती है। साथ में चेन इनिशिएशन रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए प्रोडक्ट चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करते हैं और चेन प्रोपोगेट होती है, जिसे हम फीडबैक लूप ऑफ फायर कह सकते हैं। टर्मिनेशन ऑफ चेन रिएक्शन यानी फायर में चेन रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक फ्यूल खत्म नहीं हो जाता या चेन रिएक्शन को किसी एक्सटर्नल चीज से इंटरप्ट नहीं किया जाता है। जैसे कि जब हम आग को बुझाने के लिए पानी, फोम या ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग करते हैं तब हम इस चेन रिएक्शन को इंटरप्ट करते हैं और आग को बुझाते हैं, यानी चेन रिएक्शन को हम उसके टर्मिनेशन फेज में पहुंचाते हैं। मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।